प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना शुरू से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ना तो मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाता है और ना ही भोजन की गुणवत्ता ही अच्छी होती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अफसरों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मुँह से निवाला छीना जा रहा है। जिले में अफसरों की अनदेखी के चलते मासूमों को गुणवत्ताविहीन मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है और ना तो बच्चों को मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाता है। सोमवार की देर शाम प्राथमिक पाठशाला डाडी टोला के बच्चे अभिभावकों के साथ पकाए गए भोजन का बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को भोजन दिखाते हुए शिकायत करी कि किस तरह बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेनू के हिसाब से भोजन देना तो दूर, खाने की क्वालिटी भी इतनी बेकार है कि कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करेगा। बच्चों के साथ पहुँचे अभिभावकों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू को लगी, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और इसका विरोध किया और मांग करी कि इस तरह का भोजन बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि ऐसा भोजन खाकर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो बीमार हो रहे हैं। ये मध्याह्न भोजन पे जो वितरित हो रहा है, जिन समूहों ने लिया है, ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे जिले के अंदर मध्याह्न भोजन में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे गरीब बच्चों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, गरीब के साथ हैं, आदिवासी के साथ हैं। ये सच ये किसी के साथ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का एक स्वरूप लेके चल रहे हैं। इनको ना गरीब से मतलब है, ना किसान से मतलब है, ना व्यापारी से मतलब है। इनको सिर्फ सड़क बनाओ और खोदो का काम चल रहा है। मध्याह्न भोजन में इन गरीब बच्चों को जो भोजन और दाल वितरित की गई थी, ये दाल आपके सामने है और ये चावल आपके सामने है। इसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जानवर को भी नहीं खिलाया जा रहा, ये इस दान को भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आंगनबाड़ी है ना, आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी स्कूलों भी है। क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? हम बोलना ही चाहते हैं सर जी, इसे चुनी आती सर जी, तो उसमें अच्छा खाना आना चाहिए सर जी। जो चावल है उसको भी अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि जो खराब बनेंगे तो बच्चे भी बीमार होंगे। हमें बोलना चाहते सर जी, अच्छा खाना बने और जो जो चेंज करके खाना बनता है वो खाना वहाँ पे बनना चाहिए सर जी। और हफ्ते में सर जी 3 दिन में, और हफ्ते 6 दिन होता है, उसमें 2 दिन खाना बनता है, बाकी 4 दिन अब्सेंट रहता सर जी। इसके लिए हम लोग उनको पकड़ कर ये सब कुछ काम किए सर। ये ग्राम कपसा का मामला है, कपसा गांव में जो बच्चों का स्कूल है, उसी स्कूल से जो है लगा हुआ ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र साझा चूल्हा के अंतर्गत वहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो खाने की जो क्वालिटी है बच्चों की, तो इतने मतलब रद्द क्वालिटी है कि बच्चे खा करके कई बच्चे जो है उल्टी भी किए। इसी तरह से कंटिन्यू जो है खाना जो है तो बहुत ही ख़राब है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके बच्चों के जो गार्जियन हैं वो खाना भी लेकर के आए हैं और दाल लेकर के आए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस तरह से खाना दे रहे हैं जिससे बच्चों जो है बीमार पड़ रहे हैं और जो है इनको उल्टी हो रही है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि जो भी इनके संचालक हैं, इस तरह से थर्ड क्लास का जो खाना दिया जा रहा बच्चों को, तो इस पर रोक लगाई जाए और इस तरह से खाना देने वालों के ऊपर जो है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। खाने में दाल चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। दाल चावल, ये दाल कैसी है, चावल कैसा है? अच्छी नहीं है, दाल खाने के लिए लड़का बीमार हो गई। बीमार हो रहा है बच्चा जी।